नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि चपटे और आज हम देखेंगे विशेषण में गुणवाचक विशेषण के रूप। सबसे पहले हम देखेंगे विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे गुलाब का फूल सुंदर है, वहां बहुत भीड़ थी। हम तीन भाई हैं, मुझे थोड़ा पानी दे दो। खोवा काला होता है। इन वाक्यों में सुंदर, बहुत, तीन, थोड़ा, काला, यह विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के आठ भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक विशेषण, तुलनावाचक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के रूप देखो। गुणबोधक विशेषण, दोषबोधक विशेषण, रंगबोधक विशेषण, अवस्थाबोधक विशेषण, स्वादबोधक विशेषण, आकारबोधक विशेषण, स्थानबोधक विशेषण, कालबोधक विशेषण, दिशाबोधक विशेषण, स्पर्शबोधक विशेषण और भावबोधक विशेषण। अब हम देखेंगे गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरी परिभाषा देखो गुणवाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार तथा दशा का बोध कराते हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे गंगा पवित्र नदी है, यह आम खट्टा था, रमेश का घर पुराना है, अमीर आदमी की बात ही अलग है, अर्जुन वीर योद्धा है। गुणवाचक विशेषण के रूप। गुणवाचक विशेषण का पहला रूप है गुणबोधक विशेषण। गुणबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के गुण का बोध होता है। फिर ऐसे कौन कौन से गुण हैं? पवित्र, सुंदर, ईमानदार, विनम्र, विद्वान, बुद्धिमान, सच्चा, अच्छा, भला, सीधा। वाक्य देखो, गंगा पवित्र नदी है, रमेश ईमानदार व्यक्ति है, रामू भला नौकर था। इन वाक्यों में पवित्र, ईमानदार, भला, यह गुणबोधक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का दूसरा रूप है दोषबोधक विशेषण। दोषबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के दोष का बोध होता है। दोषबोधक विशेषण कौन कौन से हैं? बुरा, झूठा, लालची, बेईमान, क्रूर, घमंडी, दुष्ट, कठोर, पापी। वाक्य देखिए, तेजपाल झूठा है, विनोद की वाणी कठोर है, हिटलर घमंडी था। इन वाक्यों में झूठा, कठोर, घमंडी, यह दोषबोधक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है रंगबोधक विशेषण। रंगबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के रंग का बोध होता है। ऐसे रंगबोधक विशेषण कौन कौन से हैं? सफेद, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, सुनहरा, चमकीला। वाक्य, तोते की चोंच लाल होती है, आज आसमान नीला है, यह पत्थर चमकीला है। इन वाक्यों में लाल, नीला, चमकीला, यह रंगबोधक विशेषण है।
गुणवाचक विशेषण का चौथा रूप है अवस्थाबोधक विशेषण। अवस्थाबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम की अवस्था का बोध होता है। अवस्थाबोधक विशेषण गरीब, अमीर, रोगी, कमजोर, बूढ़ा, लंबा, पतला, दुबला, मोटा, गीला, सूखा। वाक्य देखिए, श्यामलाल अमीर व्यक्तियों में से एक है, रामू अब बूढ़ा हो गया है, यह रोगी पहले बहुत कमजोर था। इन वाक्यों में अमीर, बूढ़ा, कमजोर, यह अवस्था बोधक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का पांचवा रूप है स्वादबोधक विशेषण। स्वादबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के स्वाद का बोध होता है। स्वाद कौन कौन से होते हैं? खट्टा, मीठा, तीखा, कड़वा, नमकीन। वाक्य देखिए, यह आम खट्टा है, मुझे मीठा अमरूद चाहिए, कौन सी मिर्च तीखी है? इन वाक्यों में खट्टा, मीठा, तीखी, यह स्वादबोधक विशेषण के रूप है। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है आकारबोधक विशेषण। आकारबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के आकार का बोध होता है। आकारबोधक विशेषण कौन से है? गोल, चौकोर, नुकीला, लंबा, चौड़ा, तिरछा, बड़ा, छोटा, पतला, मोटा। वाक्य, कार्तिक गोल दौड़ रहा है, यह लंबी रस्सी है, मेरा घर बहुत छोटा है। इन वाक्यों में गोल, लंबी, छोटा, यह आकार बोधक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है स्थानबोधक विशेषण। स्थानबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के स्थान का बोध होता है। स्थानबोधक विशेषण कौन से है? बाहरी, भीतरी, दाया, बाया, ऊपरी, स्थानीय, क्षेत्रीय, देशीय, विदेशी, ग्रामीण, जापानी, पंजाबी। वाक्य देखिए, बाहरी देशों में ज्यादा पैसा है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बड़ी है, जापानियों ने नया तंत्रज्ञान विकसित किया है। इन वाक्यों में बाहरी, ग्रामीण, जापानी, यह स्थानबोधक विशेषण के रूप है। गुणवाचक विशेषण का आठवां रूप है कालबोधक विशेषण। कालबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के काल का बोध होता है। कालबोधक विशेषण कौन से है? नया, पुराना, ताजा, अगला, पिछला, सवेरा, वार्षिक, मासिक, भूत, वर्तमान, भविष्य, दोपहर, संध्या। वाक्य, आज का नया दौर है, हमें वर्तमान में जीवन व्यतीत करना चाहिए, कल दोपहर बारिश आई थी। इन वाक्यों में नया, वर्तमान, दोपहर, यह कालबोधक विशेषण के रूप है। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है दिशाबोधक विशेषण। दिशाबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम की दिशा का बोध होता है। पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी, निचला, ऊपरी। वाक्य देखिए, भारत उत्तरी देशों से व्यापार करता है, घर का निचला दरवाजा खोल दो, दूध की ऊपरी परख निकाल लो। इन वाक्यों में उत्तरी, निचला, ऊपरी, यह दिशाबोधक विशेषण के रूप है। गुणवाचक विशेषण का
दसवां रूप है स्पर्शबोधक विशेषण। स्पर्शबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के स्पर्श का बोध होता है। स्पर्श के रूप कौन से होते हैं? गर्म, ठंडा, कोमल, सख्त, मुलायम। वाक्य देखिए, चाय बहुत गर्म है, मुझे ठंडा पानी चाहिए। यह गालीचा मुलायम है। इन वाक्यों में गर्म, ठंडा, मुलायम यह स्पर्श बोधक विशेषण है। गुणवाचक विशेषण का अगला रूप है भावबोधक विशेषण। भावबोधक विशेषण में हमें संज्ञा या सर्वनाम के भाव का बोध होता है। कौन से भाव होते हैं फिर? अच्छा, बुरा, वीर, कायर, डरपोक। वाक्य देखिए, संजय अच्छा व्यक्ति है, युद्ध से वीर डरते नहीं। कायर इंसान झूठ बोलते हैं। इन वाक्यों में अच्छा, वीर, कायर यह भावबोधक विशेषण के रूप है। अगले वीडियो में हम परिमाणवाचक विशेषण के भेद देखेंगे। धन्यवाद।